गुड आफ्टरनून। आज अगर स्पाइस पैक की बात करें तो स्पाइस पैक के अंदर हमने हल्दी में काफ़ी बड़ी तेजी आती हुई देखी, करीबन 2.75% की तेजी के साथ आज 66-70 तक के लेवल हमने हल्दी के प्राइजेस में आते हुए देखे। टेक्निकली अगर बात की जाए तो ओपन इंटरेस्ट में करीबन हमने 14.5% की गिरावट आती हुई देखी प्राइजेस में, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पिछले कुछ दिनों में जो प्राइजेस में गिरावट आई है वहाँ से ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजिशंस काटी है और इसकी वजह से प्राइजेस में गेन आया है। फंडामेंटल साइड से अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते में हमने अपडेट देखा था कि गवर्नमेंट 1500 करोड़ का एक प्लान ड्रॉ कर रही है, जिसमें एग्री एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के एक इनिशिएटिव ले रही है। ऑलरेडी हमने देखा है करीबन 13% रुपए में ये साल गिरावट आ चुकी है और उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट देखने के हिसाब से ही गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहती है। और हल्दी, हम जानते हैं कि पूरे एग्री के अंदर हल्दी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट शेयर रखती है इंडिया की तरफ से। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो हमने प्राइजेस के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट पिछले 3-4 महीने में आते हुए देखा है। अब हमें लगता है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई है, स्टॉक पोजीशंस काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे, ये एवरीथिंग डिस्काउंट हो चुका है। इवन हमने एक्सपोर्ट्स के जो फिगर्स देखे हैं जुलाई अगस्त के, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्राइजेस में जो मेजर ट्रिगर है वो है रुपया फैक्टर और एक्सपोर्ट फैक्टर। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमें लगता है ये हफ्ते में हम तेजी का रूप कंटिन्यू देख सकते हैं, जो प्राइजेस को 6800 से 6850 तक का लेवल दिखा सकता है ये हफ्ते के अंदर। जबकि ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो अक्टूबर मिड तक हमें लगता है प्राइजेस दायरे में रहेंगे, जो करीबन 6400 से लेकर 6800 के बीच में रहेगा। अक्टूबर के बाद प्राइजेस में फिर से एक रैली चालू होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड और बढ़ सकती है, जो दिसंबर तक फिर से 7000 से 7200 तक का लेवल हल्दी में देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।